सो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेसन। ओके, आज के लेसन में हम लोग, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेसन में आप लोगों को गेटिंग स्टार्टेड विद सी से स्टार्ट करवाया, चैप्टर नंबर 8 हम लोगों ने शुरू किया हुआ है, और मैंने आपको जो है वो प्रोग्राम के बारे में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी थी। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो फ़ौरन से इसको फॉज करें और पहले वीडियो देख लें, 4 मिनट की वो वीडियो है, जल्दी जल्दी आप उसको देख के देन इस वीडियो के ऊपर जो है वो आप लोग आएँ। ओके, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। फर्स्ट वन इज लो लेवल लैंग्वेज एंड देन हाई लेवल लैंग्वेज। अच्छा जी, आज हम लोग बात कर लेते हैं लो लेवल लैंग्वेज के बारे में। जस्ट आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन जो है वो ये देख लें, इसकी डेफिनेशन क्या है कि ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर के ज़्यादा करीब है और ह्यूमन से फार है। फार मतलब दूर है, कहने का ये मतलब है ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर ईजिली अंडरस्टैंड करता है और ह्यूमन इसको ईजिली अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, तो ऐसी लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस। और ऐसी लैंग्वेज जो होती हैं, ओके, इसकी दो टाइप्स हैं, दो कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी इसकी आती है मशीन लैंग्वेज, एंड देन उसकी दूसरी कैटेगरी आती है असेंबली लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज किसकी दो कैटेगरीज हैं? लो लेवल लैंग्वेज की। सो अगर आप लोगों को अभी टाइप्स क्लियर नहीं हुई तो यहाँ पर रिटन फॉर्म में देखें, मैंने लिखा हुआ है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की टू टाइप्स हैं, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। पहले हम लोग जो है वो डिफाइन करेंगे लो लेवल लैंग्वेज को, उसको डिटेल से पढ़ लेंगे, देन हम हाई लेवल लैंग्वेज के ऊपर जाएंगे। लो लेवल लैंग्वेज की मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बता दी कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर ज़्यादा ईजिली समझता है और ह्यूमन जो है वो मुश्किल, मतलब ह्यूमन्स उसको ईजिली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। अच्छा जी, लो लेवल लैंग्वेज के आगे फर्दर दो टाइप्स हैं। पहली जो है इसकी मशीन लैंग्वेज है, दूसरी कौन सी है? इसकी असेंबली लैंग्वेज। हम जो है वो बात कर लेते हैं मशीन लैंग्वेज के ऊपर। लो लेवल लैंग्वेज का मैंने आपको बता दिया कि किस टाइप की या किस तरह की लैंग्वेजेज होती हैं, उसी की एक टाइप है मशीन लैंग्वेज। आज जो है वो डिटेल से इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले मशीन लैंग्वेज की जो है वो आप डेफिनेशन ये समझ लें कि ऐसी लैंग्वेज जो बाइनरी फॉर्म में लिखी जाती है उसको हम लोग बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। अब बाइनरी फॉर्म आप लोगों को पता है अच्छे से, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। बाइनरी फॉर्म मतलब होता है 0-1 की फॉर्म में, जो 0-1 की फॉर्म में लैंग्वेज लिखी जाएगी या उसको आप लोग बोलेंगे मशीन लैंग्वेज। अब जाहिर सी बात है ये बाइनरी फॉर्म में लिखी गई है, और बाइनरी फॉर्म जो है वो मशीन इजीली समझती है, और मशीन जो है वो बाइनरी फॉर्म को ही समझती है, ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं समझती है। वो ह्यूमन लैंग्वेज को हमेशा बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके देन समझती है। अब अगर आप एक ऐसी लैंग्वेज की बात करें जो ऑलरेडी बाइनरी लैंग्वेज में है, तो इसका मतलब क्या होगा कि कंप्यूटर्स इसको बहुत ईजिली और डायरेक्टली अंडरस्टूड कर लेगा, उसको किसी और एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको समझने के लिए, कंप्यूटर डायरेक्टली जो है वो मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करेगा। अच्छा जी, अब दूसरी बात इसमें क्या आती है, अब जो भी आप प्रोग्राम लिखते हो मशीन लैंग्वेज में, वो कंप्यूटर जल्दी से उसको एग्जीक्यूट कर लेता है, टाइम जो है वो प्रोसेसिंग का कम लगता है। अब प्रोसेसिंग टाइम क्यों कम लगता है, अब देखें आप लोग जो है वो स्पेनिश नहीं समझ सकते हैं, आप लोगों को कोई लेक्चर जो है वो स्पेनिश लैंग्वेज में लेना पड़ रहा है, या फिर आपको कोई ऐसी कोटेशन पढ़नी पड़ रही है स्पेनिश लैंग्वेज में, या कोई ऐसी लैंग्वेज जो आपको बिल्कुल नहीं समझते हो, आपने वो कोटेशन पढ़ी, आपको अच्छी लगी, आप चाहते हो कि आप उसके बारे में डिटेल देखें, आप उसको अपनी लैंग्वेज में समझना चाहते हैं, आप क्या करेंगे उस कोटेशन को लेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे अपनी लैंग्वेज में, देन आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे, तो थोड़ा सा टाइम लगा आपको। लेकिन अगर वही जो है वो कोटेशन लिखी गई है जो है वो उर्दू में या फिर इंग्लिश में, जो आपको समझ आती है, इजी सी इंग्लिश है, आपको समझ आ गई, आपने उसको मिनटों में समझ लिया, रियल टाइम की अगर एग्जांपल लें तो आजकल जो है वो इर्तगल का ड्रामा हम सब देखते हैं, थोड़े दिन पहले ही इर्तगल का ड्रामा जब उर्दू में ट्रांसलेट नहीं किया गया था, तो अब शौक था हम सबको देखने का, हम लोगों ने वो सारे ड्रामा जितना भी था वो हम लोगों ने ड्रामा देखा जो है वो टर्किश लैंग्वेज में, लेकिन उसकी जो है वो नीचे जो है वो सब टाइटल आता था इंग्लिश में, हम इंग्लिश को पढ़ पढ़ के ड्रामा समझते थे और एपिसोड देखते थे। अब वही एपिसोड जो है वो हम लोग पूरा दिन लगा के देखते थे, अब वही एपिसोड जब उर्दू लैंग्वेज में आई है, हम लोगों ने जो है वो 45 मिनट्स या 1 आवर में देख ली। तो ये इसकी सिंपल सी एग्जांपल थी मशीन लैंग्वेज की, जो कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड करता है, क्यों अंडरस्टैंड करता है ये भी मैंने अब आपको बता दिया है। अच्छा जी, अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं मशीन लैंग्वेज का, मैंने आपको बेसिकली समझा दिया है मशीन लैंग्वेज होता क्या है, अब जो मेन इसके पॉइंट्स हैं वो देख लें।
मशीन लैंग्वेज के कुछ मेन पॉइंट्स हैं। मशीन लैंग्वेज हमेशा बाइनरी फॉर्म में लिखी की जाती है, डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर और मशीन। सबसे मेन पॉइंट कि ये जो लैंग्वेज होती है मशीन इसको बहुत ईजिली अंडरस्टैंड करता है, और क्यों अंडरस्टैंड करता है वो रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ। अच्छा, आगे देखें, आप इसको जो है वो कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज बोल सकते हैं। सिंपल, जैसे अगर मैं उर्दू में बोलूँ तो आप कह लो मादरी ज़बान। लाइक अगर आप लोग पाकिस्तान में पैदा हुए हैं तो हम सबको जो है वो, अगर आप लोग पंजाब में पैदा हुए, उर्दू या पंजाबी ये आप लोगों को बचपन से ही सिखाई जाती है, हम लोग बचपन से ये सीखते हैं, तो ये क्या है, हमारी नेटिव लैंग्वेज हो जाती है। ओके जी, आगे आता है फोर्थ पॉइंट, प्रोग्राम्स दैट यू राइट इन दिस लैंग्वेज विल एग्जीक्यूट फास्टली। आप जो भी प्रोग्राम्स लिखते हैं इस लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में, वो जो है फास्टली एग्जीक्यूट होते हैं। रीज़न मैंने आपको बताई क्यों फास्टली एग्जीक्यूट होते हैं, क्यों, क्योंकि कंप्यूटर या मशीन जो भी है वो इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, दैट्स वाई वो इसको फास्टली एग्जीक्यूट करता है। उसके अलावा इसको मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज भी बोला जाता है। जो मेन इसमें पॉइंट आता है वो आता है मशीन डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब क्या है, अब उर्दू आपकी लैंग्वेज है, ये आप पे डिपेंड कर रही है। अब जो अगर आप लोग किसी अरबी से बात करना चाहेंगे तो आप ये हरगिज़ नहीं कहेंगे कि वो उर्दू को ही समझे, वो आपकी उर्दू लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके ही समझेगा। तो मींस दैट डिपेंडेंट लैंग्वेज है, ऐसी लैंग्वेज जो डिपेंड करती है किसी भी पर्सन के ऊपर, या किसी भी अगर मशीन की बात करें मशीन के ऊपर, जैसे हर मुल्क की अपनी अपनी लैंग्वेज। तो मैंने बता दी है आप लोगों को जो भी इसके मेन पॉइंट्स हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब जिस भी लैंग्वेज की हम बात करेंगे उसके कुछ ना कुछ फ़ायदे हैं, कहीं ना कहीं हद तक थोड़े बहुत जो है वो उसके ड्रॉबैक्स आते हैं। अब मशीन लैंग्वेज में ड्रॉबैक्स कौन कौन से आ रहे हैं, लास्ट वाली लाइन में ये देखें यार, जैसे उन्होंने लिखा हुआ है कि मशीन लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। ह्यूमंस के लिए बहुत मुश्किल है इसको अंडरस्टैंड करना और उसको याद रखना। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एंड मॉडिफाइंग प्रोग्राम्स इन मशीन लैंग्वेज टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अगर आप लोग जो है वो मशीन लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज का प्रोग्रामर बनना चाह रहे हैं तो आप लोगों को जो है वो मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम्स लिखने में और उनको मॉडिफाई करने में टाइम लगेगा। मशीन इसको इजीली एग्जीक्यूट करेगी, लेकिन हम लोगों को जो है वो मशीन लैंग्वेज को समझने में, देन उसके प्रोग्राम्स राइट करने में, उसकी जो है वो सारी डिटेलिंग करने में टाइम लगेगा। दैट्स वाई ये टाइम लेगी हमारी तरफ से। ओके जी, डिटेल में मैंने आपको बता दिया व्हाट इज़ मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं असेंबली लैंग्वेज के ऊपर। असेंबली लैंग्वेज इज़ अ लो लेवल लैंग्वेज, ये भी एक लो लेवल लैंग्वेज है, लेकिन इट इज़ वन स्टेप हायर देन द मशीन लैंग्वेज। ये मशीन लैंग्वेज से एक स्टेप हायर है। कहने का ये मतलब होगा, मशीन लैंग्वेज जो है वो बाइनरी फॉर्म में लिखी गई है, ये जो है वो बाइनरी फॉर्म में नहीं लिखी जाती है। असेंबली लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं इसके अंदर, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने, इन असेंबली लैंग्वेज मशीन इंस्ट्रक्शन आर रिप्लेस्ड विद इंग्लिश लाइक वर्ड्स कॉल्ड निमोनिक्स। इसको जो है वो एम साइलेंट होगा इसका, और इसको आप प्रोनाउंस हमेशा निमोनिक्स ही करेंगे। एग्जाम्पल इसकी आप ये ले लें, जैसे अगर हम लोग कहें कि एडिशन, एडिशन का मतलब होता है प्लस करें, सम करें, उसकी जगह पर जैसे आप ए डबल डी एड लिख दें, उसका मतलब भी जो है वो यही समझेंगे हम लोग कि ये एडिशन बोल रहा है और उसके लिए एक छोटा सा वर्ड यूज़ किया है एड का। आगे देखते थे हम लोग असेंबली लैंग्वेज के बारे में, उन्होंने थोड़ी सी और डिटेल आपको दी है नेक्स्ट पेज पर। जैसे कि इसने यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रोग्राम्स रिटन इन असेंबली लैंग्वेज आर इजियर टू राइट एंड मॉडिफाई देन द मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज की निस्बत प्रोग्राम्स लिखना और समझना ज़्यादा आसान होता है असेंबली लैंग्वेज के। असेंबली लैंग्वेज इज़ मोस्टली यूज फॉर राइटिंग प्रोग्राम सिस्टम सॉफ्टवेयर। अच्छा जी, जो मेन इसमें चीज़ आई है, असेंबली लैंग्वेज अब कहाँ इस्तेमाल होती है। असेंबली लैंग्वेज जो है वो यूज़ होती है सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए, और कौन से सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए। फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने पढ़ा था सॉफ्टवेयर की टाइप्स और उनके जो है वो डिटेल उसमें आप लोगों ने की हुई है। अच्छा, अगर थोड़ा सा आपको नहीं याद तो मैं आपको बता देती हूँ सिस्टम सॉफ्टवेयर्स कौन से होते हैं। सॉफ्टवेयर्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो कंप्यूटर को इनेबल करते हैं वर्किंग के लिए। कहने का मतलब है आपकी विंडोज़ ले लें, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर को इनेबल करता है, मतलब काम करने के लायक बनाता है। आगे देखें, द प्रोग्राम्स रिटन इन असेंबली लैंग्वेज कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर डायरेक्टली। जो इसमें ड्रॉबैक आता है वो यही आता है कि जो आपके मतलब असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड कंप्यूटर उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर की जस्ट एक नेटिव लैंग्वेज है, और वो कौन सी है, मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, इसके अलावा वो किसी और लैंग्वेज को डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करेगा। अगर वो किसी और लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना चाहता है तो वो क्या करेगा, कंप्यूटर हमेशा एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेगा जिसको वो बोलता है ट्रांसलेटर। वो ट्रांसलेटर उसको हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में। हेल्प कैसे करेगा वो ट्रांसलेटर, क्या करेगा, उस लैंग्वेज को लेगा और उसको कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, देन कंप्यूटर उसको क्या करेगा, अंडरस्टैंड करेगा। जैसे कि आप देख लेते हैं यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है,
A translator called assembler is used to convert assembly language programs into machine language. तो अब इसमें यहाँ पर क्या होगा, कंप्यूटर जो है वो एक ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करेगा जिसको वो कहता है असम्बलर, और असम्बलर एक वाहद ऐसा ट्रांसलेटर है जो सिर्फ और सिर्फ असम्बली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में ताकि कंप्यूटर उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके. ओके जी, यहाँ तक जो है वो ये कवर हो गया. कुछ मेजर पॉइंट्स अब देख लेते हैं. अच्छा जी, जो मेन पॉइंट्स इसमें आए कौन कौन से हैं. सबसे पहला पॉइंट, इंग्लिश लाइक वर्ड्स. असेंबली लैंग्वेज हमेशा बेस करती है इंग्लिश लाइक वर्ड्स पर, उनको हम लोग बोलते हैं निमोनिक्स. देन ईजियर टू, आपके लिए आसान है इसको लिखना और मॉडिफाई करना. ओके जी, थर्ड इसमें है यूज फॉर राइटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर. फोर्थ पॉइंट देख लें, कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड असेंबली लैंग्वेज डायरेक्टली. कंप्यूटर इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करेगा. कंप्यूटर हमेशा किसका इस्तेमाल करेगा, ट्रांसलेटर का, और उस ट्रांसलेटर का नाम क्या है, असेंबलर, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है. ट्रांसलेटर का नेम क्या है, असेंबलर. कंप्यूटर असेंबलर का इस्तेमाल करेगा, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, देन वो उसको इजीली अंडरस्टैंड करेगा, उसके ऊपर वर्किंग करेगा और आपको आपका जो है वो सॉल्यूशन दे देगा इस लैंग्वेज के अंदर. ओके जी, यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली असेंबली लैंग्वेज. ओके जी, रिव्यू देख लें. आज हम लोगों ने क्या क्या किया, आज हम लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की टाइप की देखी कि दो टाइप हैं, एक है लो लेवल और दूसरी कौन सी है, हाई लेवल. हाई लेवल को आज हमने डिस्कस नहीं किया, वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. आज हमने लो लेवल लैंग्वेज की फर्दर दो टाइप्स को जो है वो पढ़ा है. पहली टाइप हम लोगों ने देखी मशीन लैंग्वेज, वो कैसी होती है उसकी सारी डिटेल हम लोगों ने की है. देन हम लोगों ने पढ़ा जो है वो असेंबली लैंग्वेज, उसकी डिटेल की है. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखें कि आपको वीडियो अच्छी लगी है. कोई भी सजेशन देना चाहते हैं कि आप मतलब किसी भी चीज़ के बारे में सजेशन देना चाहते हैं लेसन को लेकर, तो सजेशन दे सकते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखते. और इसके अलावा अगर आपको किसी भी और टॉपिक के बारे में, इस बुक के अलावा, सेकेंड ईयर की बुक में या फर्स्ट ईयर की बुक में या इसके अलावा कोई सा भी ऐसा टॉपिक जो आपको समझना चाह रहे हैं, तो उस टॉपिक का नेम लिखें. अगर वो मेरे हो टॉपिक मेरे होल्ड में होता हुआ तो इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल आई विल मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक, ताकि आप उसको जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके और वो आपके लिए हेल्पफुल होगा. तब तक के ये दुआओं में याद रखें, खुश रहें और अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.